हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने सिक्स प्रैक्टिकल और थर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है। और इससे पहले मैं पांचों आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और तो आज हम बात करते हैं अपने लास्ट प्रैक्टिकल के बारे में, और इस जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है हमारा, उसका जो नाम है वो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में हमें बताया गया कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है, मतलब लर्निंग का ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, कैसे होता है। और मीनिंग सबसे पहले इसमें बताया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल दे करके समझाया गया। जैसे कि मैं आपको बताऊँ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है। अ शॉपकीपर सन हु डज स्मॉल कैलकुलेशन एट हिज शॉप यूजुअली हैज़ इक्वल ग्रेट इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे ये यह है कि अगर जैसे कोई शॉपकीपर का जो बेटा है वो दुकान पे बैठता है, छोटी मोटी कैलकुलेशंस कर लेता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये यह है कि वो, उसकी मैथमेटिक्स भी अच्छी है, मतलब मैथमेटिक्स में वो अच्छा है, इसलिए यहाँ पर वो कैलकुलेशन भी अच्छे से कर पा रहा है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब यह है कि एक लर्निंग को आप दूसरी जगह पर यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से डेफिनेशन देखिए, दिखा बताई गई है पहली कि द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑन करंट परफॉर्मेंस डिफाइंस ट्रांसफ़र। तो इसी तरीके से आपको कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे देनी है, कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पे डेफिनेशन है, उनको आपको यहाँ पे देना है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कौन कौन सी टाइप की जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है। तो बेसिकली तीन टाइप की जो है हमारी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है और एक ज़ीरो होती है। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि व्हेन लर्निंग इन वन कॉन्टेक्स्ट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस इन अनदर कॉन्टेक्स्ट, मतलब किसी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को पॉजिटिव तभी कहा जा सकता है कि आपके आपने जो भी लर्निंग पहले की है, तो उसका अगर आपकी जो सेकेंड जो आपका जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं जिस जगह पे, अगर वहाँ पे भी आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, आप वहाँ पर भी उस लर्निंग को शो कर पा रहे हैं, उसको यूज़ कर पा रहे हैं, तो वो आपकी एक तरह से पॉजिटिव लर्निंग कहलाएगी, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाएगी। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है कि मैं लर्निंग इन वन कॉन्टेक्स्ट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस इन अनदर कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपका अगर लर्निंग आपने की है लेकिन आप उसी लर्निंग को दूसरी जगह पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपकी जो है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाएगी। और ज़ीरो का मतलब तो ज़ीरो ही है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं, मतलब कहीं से भी आप जो है किसी, मतलब न्यू लर्निंग पर आपका जो है पुरानी लर्निंग का कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है। थ्योरीज यहाँ पे कुछ बताई गई हैं, ओल्ड थ्योरी बताई गई है कि इसमें कौन कौन सी ओल्ड थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है, तो इनको यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है, आप इनको देख करके लिख सकते हैं। इसको मैं ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। फैक्ट्स यहाँ पे कुछ बताए गए हैं, आप देख लीजिएगा इनको पढ़ करके। इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ऑन एजुकेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का क्या इम्पैक्ट होता है। तो नॉलेज ऑफ रियलिटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्वालिटी, जनरलाइजेशन, टीचिंग मैथड्स, इमीडिएट इम्पॉर्टेंस, तो ये सब पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, आप इनको जो है पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ अपनी फाइल में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने हम मेन एक्सपेरिमेंट और लास्ट एक्सपेरिमेंट पर, जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग। मिरर ड्राइंग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मिरर के थ्रू जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को सीखते हैं। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पे वही पहले की तरह, डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटर, डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, डेट टाइम एंड प्लेस आपको यहाँ पे शो करना है। इसके बाद अब हम आते हैं अपने टूल्स एंड मटेरियल पे। यहाँ पे आपको मिरर ड्राइंग अपरेटस दिया जाता है। अपरेटस तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि हमें वो कॉलेज में ही प्रोवाइड होता है, और मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें एक मिरर लगा होता है, उसी मिरर में देख करके हमें अपने जो हमें एक स्टार फॉर्म में हमें एक शीट प्रोवाइड की जाती है, उस पर स्टार बना होता है, उसमें जो है हमें उसको फिल करना होता है। और अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके के 16 स्टार प्रिंटेड पेपर आपको दिए जाएंगे और एक स्टॉप वॉच होना चाहिए आपके पास, ग्राफ पेपर और पेंसिल, ये इतना मटेरियल जो है इसमें प्रैक्टिकल में हमें रिक्वायर्ड है। इनिशियल प्रिपरेशन आप पढ़ लीजिएगा, इनिशियल प्रिपरेशन में आप देख सकते हैं कि मिरर अपरेटस को सेट करना है, आपको हर चीज़ें देखना है और उसमें कैसे उसको सेट करना है, पेंसिल आपको यूज़ करनी है,
ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या है, इंस्ट्रक्शन में जो है आपको बताया गया है कि मिरर में आपको कैसे रखना है, कैसे मिरर में आपको सेट करना है अपने उसको पेपर को, स्टार प्रिंटेड पेपर को, और स्टार्ट बोलते ही आपको उसको स्टार्ट करना है, और साथ ही साथ क्योंकि टाइमर उसमें नोट होना है इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कितने टाइम में आपने आप उसमें जो है स्टार को जो है ड्रॉ किया। अब मेन जो मेथड है, अब मैं उसमें आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट इज़ आस्क्ड टू प्रिपेयर्ड, स्टॉप वॉच इज़ स्टार्टेड। स्टॉप वॉच को स्टार्ट एंड स्टॉप करने का काम जो है वो खुद सब्जेक्ट भी कर सकता है, लेकिन सब्जेक्ट करेगा तो कुछ ना एक दो सेकंड का फ़र्क आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंटर को ही स्टॉप वॉच को यूज़ करना होगा। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें करना क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि मिरर में देख करके हमें अपने लेफ़्ट हैंड से, सबसे पहले जो तीन ट्रायल होंगे वो हमें अपने लेफ़्ट हैंड से करने होंगे। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड से पहले जो तीन ट्रायल किए गए हैं इसमें देखिए टाइम कितना ज़्यादा लगा है, 128 सेकेंड्स का टाइम लगा है फर्स्ट ट्रायल में, और यहाँ पे 15 एरर्स हुए हैं। अब एरर्स कैसे काउंट होंगे, एरर्स इस तरह से काउंट होंगे, देखिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए ये स्टार प्रिंटेड पेपर है, इसे आपको सीधा जो है फिट करना है, और फिर लेफ़्ट हैंड से आपको नीचे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, वहाँ से आपको लेफ़्ट हैंड से जो है स्टार के अंदर बिल्कुल बीचों बीच पे जो है सेम स्टार आपको ड्रॉ करना है। अगर ये स्टार ड्रॉ करते टाइम आपका किसी भी जो है मार्जिन में अगर टच हो जाता है, चाहे वो इनर मार्जिन हो चाहे आउटर हो, दोनों में से किसी में भी टच हो जाएगा तो वो आपका एरर माना जाएगा। तो इसी तरह से आपको जो है पहले तीन ट्रायल करने हैं लेफ़्ट हैंड से, तो आप देख सकते हैं 128, 88 एंड 120 यहाँ पर सेकेंड्स का टाइम लगा। फिर जो बाकी के जो देखा जाए टोटल 16 हैं, यहाँ पर 16 हैं, तीन आपको पहले लेफ़्ट हैंड से करने हैं और सबसे एंड में आपको फिर लेफ़्ट हैंड से तीन ट्रायल करने हैं, बाकी के जो बीच के 10 ट्रायल हैं वो आपको राइट हैंड से करने हैं। तो राइट हैंड से करने पे देखिए धीरे 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 देखिए टाइम जो है वो कम होता जा रहा है, और फिर लास्ट में क्या होता है कि जब हम राइट हैंड से लगातार जब 10 बार उसको करते हैं और फिर लास्ट में जब अपने लेफ़्ट हैंड से जब उसको करते हैं तो यहाँ पर देखा जाता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तब हमारा क्या होता है लेफ़्ट हैंड हमारा बहुत ही आसानी से उस स्टार को जो है वो ड्रॉ कर ले जाता है, और एरर भी बहुत कम होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 14 ट्रायल में 67 सेकंड, 15 ट्रायल में 64 सेकंड एंड लास्ट ट्रायल में 63 सेकंड हमें लगे हैं, और सिर्फ लास्ट में एक एरर यहाँ पर हुआ है। तो ये है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का कमाल कि मतलब पहले तो आपने लेफ़्ट हैंड से किया, बहुत ज़्यादा एरर आए, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन जब आपने लगातार उसी काम को राइट हैंड से किया और फिर तुरंत उसी काम को अपने लेफ़्ट हैंड से किया तो आपको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल को जो है बनाना है। इसके बाद आपको एनालिसिस ऑफ डेटा एंड कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में देखिए मीन ऑफ टाइम निकालना है, मीन ऑफ एरर निकालना है। अब ये कैसे निकालना है, आप देखिए मीन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट, मीन ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ अटेम्प्ट, मीन ऑफ 12th एंड 13th अटेम्प्ट एंड मीन ऑफ 14th, 15th एंड 16th अटेम्प्ट। इसी तरीके से मीन ऑफ एरर में भी आपको इसी तरीके से इसको निकालना है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होता है ट्रांसफ़र ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे a माइनस ई अपॉन ए इंटू 100, जहाँ पे a हमारा है मीन ऑफ एरर ऑफ फर्स्ट थ्री अटेम्प्ट्स एंड ई जो है मीन ऑफ एरर ऑफ लास्ट थ्री अटेम्प्ट्स। तो इसके बेसिस पर हमें जो है जो ऊपर जो हमने यहाँ पे मीन ऑफ टाइम एंड मीन ऑफ एरर जो हमें पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं इनको यहाँ पे अब हमें कैलकुलेट करना है। जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ डेटा में सबसे पहले मीन ऑफ टाइम, मीन ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में जो टाइम लगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और नीचे हमारे टोटल तीन अटेम्प्ट हैं तो तीन को हम इस तीन से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मीन टाइम मिल जाएगा हमारे फर्स्ट थ्री अटेम्प्ट का। इसी तरीके से हम मीन ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ अटेम्प्ट निकालेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ अटेम्प्ट का हमने टाइम लिखा, दो अटेम्प्ट हैं इसलिए इसको टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एवरेज मीन टाइम जो इसका आएगा वो आएगा 126। इसी तरीके से हम 12th एंड 13th का और लास्ट के 14th, 15th एंड 16th अटेम्प्ट का हम यहाँ पे मीन टाइम निकाल लेंगे। सेम हमारा बी पॉइंट में आता है मीन ऑफ एरर, मीन ऑफ एरर में भी वही काम हमें करना है, यहाँ पे एरर्स को हमें लिखना है। जैसे कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट में हमारे पहले में 15 एरर हुए, सेकेंड में 6 एरर, थर्ड में 4 एरर, और टोटल कितने एरर हैं 3, तो हम इसको 3 से डिवाइड करके मीन ऑफ एरर निकाल लेंगे।
सेम काम हमें यहाँ पे करना है। फोर्थ एंड फिफ्थ अटेम्प्ट में हमारा एक एरर और फिफ्थ में हमारे 3 एरर, टोटल कितने एरर डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हम सारे मीन ऑफ एरर निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले में हमने जब इसको रखा तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ जाते हैं। तो ए जो आता है वो आता है 8.33, ई जो आता है वो आता है 1.33। इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे हमने 8.33 और 1.33 क्यों लिया, क्योंकि देखिए ए का मतलब है कि मीन ऑफ एरर ऑफ फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स। तो जो फर्स्ट 3 अटेम्प्ट थे उसका आया था 8.33, इसलिए हमने इसको लिया है। ई का मतलब है मीन ऑफ एरर ऑफ लास्ट 3 अटेम्प्ट। तो ये देखिए मीन ऑफ एरर ऑफ लास्ट 3 अटेम्प्ट मतलब 14, 15 एंड 16 अटेम्प्ट का जो एरर आया था, मीन एरर, वो आया था 1.33। तो वो दोनों हमने यहाँ पे लिए हैं, उसको फॉर्मूले में पुट किया है। यहाँ पे देखिए ए की जगह 8.33, ई की जगह -1.33 और फिर नीचे ए की जगह 8.33 × 100। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो परसेंटेज आता है वो आता है 84.03%। तो इससे हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रांसफ़र ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा कितना परसेंट जो है ट्रांसफ़र हुआ है, जो हमारी लर्निंग वो कितनी हुई है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में देखिए हमें इतना टाइम लगा, इतने एरर हुए, आपको बस यही लिखना है इसमें। फर्स्ट अटेम्प्ट में देखिए लिखा हुआ है कि इतने सेकेंड इतने एरर, सेकेंड में 88 सेकेंड्स, नंबर ऑफ एरर 6। इसी तरीके से आपको जितने भी आपके अटेम्प्ट हैं, टोटल जो है हमारे 16 अटेम्प्ट हैं, उन सबको हमें यहाँ लिखना है। देन आते हैं ग्राफ एनालिसिस पर। ग्राफ एनालिसिस ग्राफ को देखकर ही आप करेंगे। तो यहाँ पे हमने बताया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट हमें लगे हैं उसका ये जो है ये ग्राफ है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका एक और ग्राफ बनेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है यहाँ पे शो करने हैं। ये देखिए ये नंबर ऑफ एरर्स आपको शो करने हैं और यहाँ पे टाइम टेकन, दो ग्राफ बनेंगे। पहला जो ग्राफ है वो टाइम टेकन का होगा, मतलब कितना टाइम लगा है उसके बेसिस पे ग्राफ बनेगा, और जो दूसरा ग्राफ है वो बनेगा हमारा नंबर ऑफ एरर्स के बेसिस पर। तो ये दोनों ग्राफ बना करके आपको ग्राफ एनालिसिस लिखना है। देन आपको रिजल्ट बताना है कि आपका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट के बारे में लिखना है। इंटरप्रिटेशन लिखना है, इंटरप्रिटेशन यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं, जो प्री टेस्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये देख कर ही यहाँ से लिखना पड़ेगा, मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। देन आपको पोस्ट टेस्ट आपको यहाँ पे जो है लिखना होगा। देन कंक्लूजन आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद आपको सेम जो है फिफ्थ प्रैक्टिकल की तरह यहाँ पे आपको इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट भी देनी है सब्जेक्ट से, कि उसको क्या डिफ़िकल्टी हुई, क्या उसको करने में एक्सपेरिमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आई, क्या उसको सही लगा क्या नहीं लगा, वो सब यहाँ पे वो आपको लिख करके एक पेज पे देगा, वो भी आपको यहाँ पे लगाना होगा। देन सजेशंस आपको देने हैं, क्या सजेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आपको लिखने हैं, और आपका ये प्रैक्टिकल यहाँ पर जो है वो एंड होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रैक्टिकल में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं समझ में आया तो मैं फिर से उस प्रैक्टिकल का वीडियो बना दूंगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और अब आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं जो है बीएड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो है वीडियो बनाने वाला हूँ। जो भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर्स हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पर मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, जो कि आपके जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं आगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।